एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि जो डिफरेंशिएशन है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताने के लिए, सिलेबस में जो रहता है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ पोर्शन है वो काट दिया गया है। एक तो ये है, बहुत आसान टॉपिक है। दूसरा है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, तीसरा है यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमम, बस ये। बाकी रहे कौन कौन से गए इनके अलावा, रॉल्स थ्योरम, लैंग्वेज इज मीन वैल्यू थ्योरम, और अप्रोक्सीमेशंस। ये मेरे ख्याल में सिलेबस से हटा दिए गए हैं। यही है ना दिव्य? सर मुझे तो नहीं पता। नहीं पता, मैं चेक कर लेता हूँ। इन्होंने हटाई है एक्सरसाइज 7.3, 7.7, 7th चैप्टर तो उसका है ना, सर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है तो इट मीन्स कुछ भी नहीं हटा रखे डिफरेंशिएशन में से। तो सिलेबस में दे रखे है इंक्रीजिंग डिफरेंस टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा, और अच्छा सिलेबस में ना दे रखा है बेटा जी, जो हरियाणा बोर्ड ने रिड्यूस्ड सिलेबस ले रखा है, अपना जो गैस पेपर है ना इसको खोल के देखना, सुन रहे हो बेटा, जो गैस पेपर का फर्स्ट सिलेबस, इसमें देखना कहीं भी नहीं लिख रखे ये बाकी तीन, तो हम ही नहीं पे स्ट्रेस रखेंगे अपना। पहले इन तीन को करते हैं फिर इन दो इनके बारे में बता देंगे, मतलब तीन टॉपिक हैं ये भी, तीन टॉपिक अलग अलग हैं। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, पहले मैं उनकी डेफिनेशन, इंक्रीजिंग क्या होते हैं मोटे शब्दों में, क्या होता है चढ़ता ग्राफ ऐसे यूं ऊपर की तरफ जाता हुआ। तो इसमें क्या है, मान लेते हैं ये पॉइंट x इज इक्वल टू ए है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू बी है, तो इधर क्या होता है बेटा एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी। तो बी पॉइंट बड़ा है या ए पॉइंट बड़ा है बताना एक बार, यहाँ पहले पॉइंट बताओ सर बी। हम लाइन पे इधर चलते हैं तो कौन सा पॉइंट बड़ा है, सर बी, बी बड़ा है, ए छोटा है, यानी कि बी इज ग्रेटर देन ए। एफ ऑफ ए बड़ा है या एफ ऑफ बी बड़ा है, सर एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी,
देखो बी बड़ा था ए से, और उस पर वैल्यू भी फंक्शन की बड़ी आ रही है, तो ये कैसा फंक्शन होगा? इनक्रीजिंग। ये तो है इसका कॉन्सेप्ट, बी इंक्रीजिंग होगा क्या? ये कहता है अगर कहीं बी बी बड़ा हो ए से, एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू, तो वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए फंक्शन की, सेम रिलेशन हो। एक्स वन लेस देन एक्स टू, तो एफ एक्स वन भी क्या हो लेस देन एफ एक्स टू, तो ऐसा फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है, चढ़ता ग्राफ ऐसे यूं ऊपर की तरफ। तो इंक्रीजिंग की कंसेप्ट क्या हुई? फॉर एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू, इफ एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू, देन फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्यों लगा? अगर इक्वालिटी नहीं है तो स्ट्रिक्टली, इक्वालिटी भी हो सकती है तो उसमें हम स्ट्रिक्टली शब्द नहीं लगा सकते। जैसे मान लेते हैं कि नहीं, एक आध बार बराबर आ जाए, एक आध बार ज्यादा आ जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। अब इन पॉइंटों पे तो क्या है, बराबर है, लेकिन आगे कुल मिला के बढ़ता जा रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो तो सीधा खड़ा हो, डिक्रीजिंग क्या होगा? इंक्रीजिंग समझ में आ गया बेटा? पहले तो ये बताओ, चढ़ता ग्राफ। सभी अपनी अपनी राय दें बेटा, समझ में आ रहे इंक्रीजिंग? एक तो सर एक बार रिपीट, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जिसका ग्राफ ऊपर की तरफ, स्लोप पॉजिटिव हो जिसका। यहां दो पॉइंट थे ए और बी, बी बड़ा था ए से, तो फंक्शन की वैल्यू भी बी पर बड़ी है ए से, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि पॉइंट बढ़ाता जाता वैल्यू भी बड़ी आती चली जाती है। यहाँ अब इसको समझ लो, ये फिर दोनों क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, बी बड़ा है कि ए बड़ा है? पॉइंट मैंने यहाँ ए लिया है, यहाँ बी लिया है, भाई यहाँ जीरो होता है, यहाँ एक हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ आगे तीन हो गया, ऐसे भी पॉइंट होते हैं ना। तो B पॉइंट मैंने लिया है और A पॉइंट लिया है, तो B बड़ा है या A बड़ा है? सभी B बड़ा है। ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, ये है एफ ऑफ ए, ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, ये है एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ बी ज्यादा है या एफ ऑफ ए ज्यादा है? है बेटा, जो फंक्शन ये ज्यादा है ना, वेरी गुड, अब समझ जाओगे। तो इसका मतलब एफ ऑफ बी क्या हुआ, वो लेस हुआ ना एफ ऑफ ए से। पॉइंट तो बड़ा है, वैल्यू छोटी है, तो ये कैसा है? डिक्रीजिंग है, अपोजिट साइन आएंगे तो। इसका उतरता ग्राफ होता है ऐसे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू और एफ एक्स वन इज लेस देन एफ एक्स टू आ जाए, तो फंक्शन कैसा होगा? एफ एक्स इज डिक्रीजिंग।
अब मोटी बात आ गई। मोटी बात क्या है, अगर पॉइंटों में छोटे बड़े का रिलेशन है, एक्स वन बड़ा एक्स टू से, और वैल्यू का उल्टा रिलेशन है तो डिक्रीजिंग, और वैल्यू का सेम रिलेशन है तो इंक्रीजिंग। अब समझ में आ गई बात? हाँ सर। ओके, लेकिन हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या मदद करता है? डेरिवेटिव कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताएगा, क्योंकि हमने इसको अप्लाई करना है। तो यहां हम देख रहे हैं कि अगर ये फंक्शन है, यहां पे हम टेंजेंट खींचे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने बताया था बेटा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, किसी भी कोई कर्व है और यो पॉइंट एक्स कोमा वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स बताता है इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच लो, तो उस टेंजेंट का स्लोप बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप क्यों बताता है वो भी समझ लो। ये मान लेते हैं कर्व है, ये पॉइंट है एक्स वाई, एक्स में थोड़ा जोड़ दिया मैंने, यो पॉइंट हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। तो ये लेंथ है हमारे पास यहां से यहां तक एक्स, ये क्या है वाई। अब ये इसने इनको मिलाएं तो ये यहां से यहां तक क्या है बेटा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये क्या है वाई प्लस डेल्टा वाई। समझ रहे हो इस बात को? और अब मैंने इनको मिला दिया डेल्टा एक्स, ये ऊपर कितनी बच गई यहां से यहां तक डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होता है, पी बाई बी, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया बेस हो गया, और पी बाई बी क्या होता है टेन थीटा, और स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, लाइन टेंजेंट ऑफ द एंगल विच ए लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो उसका स्लोप आ गया। लिमिट ले लेते हैं हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो किसी भी कर्व का डी वाई बाई डी एक्स ले लिया हमने उस पॉइंट पे, तो वो क्या बताता है टेंजेंट का स्लोप, क्या बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो डी वाई बाई डी एक्स होता है। और स्लोप ऑफ ए लाइन की परिभाषा ये है कि लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसका टेन जो है वो स्लोप कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, थीटा इज कॉल्ड स्लोप, एम स्लोप, यहाँ डिफ्रेंशिएशन स्लोप बन जाता है। यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या है, वो टेन थीटा है, या स्लोप ऑफ टेंजेंट कह लें, एक ही बात है। तो डेरिवेटिव्स ये कह रहा है, अगर मान लेते हैं ये स्लोप, अगर कोई कर्व ऐसी है चढ़ती हुई ऐसी, तो उसका ये थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है पॉजिटिव, सर पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डी वाई बाई डी एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा उस पॉइंट पे, और अगर डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ऐसे उसका कर्व का, जैसे मान लेते हैं ये कर्व है तो ये टेंजेंट बनेगी। अब एक्स एक्सिस के साथ इसने एंगल कैसा बनाया, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस बनाया तो डी वाई बाई डी एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो दो हरफी बात ये होगी। अब यहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट पे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉइंट की कह रहे हैं, हम पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है x इज इक्वल टू ए पे,
तो एफ डैश एक्स निकाल लो और एफ डैश ए रख लो। अगर ये पॉजिटिव है तो एफ एक्स कैसा है उस पॉइंट पे? इंक्रीजिंग। और एफ डैश ए अगर नेगेटिव आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। और जीरो आ जाए तो इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। ये पॉइंट वो है जहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, ए पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सीधी बात है बेटा, किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन को चेक कराता है तो डिफरेंशिएशन कर लो और उस पॉइंट को रख दो। रखने के बाद पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग, और इज इक्वल टू जीरो आता है तो क्रिटिकल पॉइंट होता है। ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिएगी इसके लिए, वो हम बाद में करेंगे डिस्कस। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट तो है ये। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये भी समझ लो। ये बात समझ में आ गई? पहले तो ये इसकी बताओ मेरे को। यस सर। अपनी अपनी कंसर्न दो बेटा। और बाकी एकता, सिमरन, सर फिर से बता दो। मैं ये कह रहा हूँ अगर हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना फंक्शन को कहीं भी, ये फंक्शन है एफ एक्स, इसका ग्राफ है, किसी भी पॉइंट पे हमने चेक करना एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन निकाल लो और इस पॉइंट को इसके अंदर रख दो। यो पॉजिटिव आ जाए तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ जाए तो डिक्रीजिंग। ये कह रहा हूँ, ये बात समझ में आ गई? यस सर। एकता? हाँ सर। अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। अब है टेंजेंट एंड नॉर्मल। शुभम पानी दिए रहे गिलास? ये कोई कारो है? गिलास और दे दे बदमाश। और ये पॉइंट है हमारा एक्स वन वाई वन। भाई टेंजेंट निकलवा होगा किसे पॉइंट पे है तो पॉइंट तो देना पड़ेगा उसने, एक्स वन वाई वन है। तो इक्वेशन ये भी, ये लाइन है तो है ही। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन जो एक पॉइंट से पास हो क्या होती है? वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही तो है, यही होती है ना, वाई माइनस वाई वन और एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस वन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही निकाल के समझाया, बताया भी जाता है, प्रूफ भी दिया जाता है। और मैं यहां भी समझा देता हूं, एम एक्स वन वाई वन तो पासिंग पॉइंट होता है और एम क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन। और स्लोप ऑफ लाइन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बताओ? कोई भी बताओ, दिव्या, सिमरन, एकता।
दिव्या, आवाज तो आ रही है। ए तुम बोलो सरी ना बेरा धन्य को दिखो ना बेरा जी। नहीं पता। हाँ ये दिव्या यार क्यों नहीं बोल रही? देखो बेटा आप समझ लो कॉल आ कोई ऐसी गई थी बात एक नहीं बार, है। हैं? सर एक बार कॉल आ गई थी बीच में। ओके स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है ये बता। सर इसकी इक्वेशन बताऊं? स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होती है? परिभाषा बता, डेफिनेशन बता। सर इक्वेशन तो पता है, डेफिनेशन नहीं पता। सिमरन नहीं बता सर। समझ लो फिर, यह बात जरूरी है बेटा। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है? टेंजेंट ऑफ द एंगल। विच ए लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये लाइन है, उसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया थीटा एंगल बनाया, तो इसका टेन वो क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन होता है। यह बात समझ आ गई? ये है इसकी परिभाषा। हाँ सर। क्लियर है भाई? पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ जो भी लाइन एंगल बनाएगी वो उसका स्लोप कहलाता है। और सीधी बात है, जब टेन हो गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है? ये नेगेटिव। तो जब ये एंगल घूमता घूमता 90 क्रॉस कर जाएगा तो टेन क्या हो जाएगा? उसका नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? 90 तक क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा टेन ऑफ द एंगल। इसको एम बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं? एम। एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ये कौन, ये परिभाषा तो समझ में आ गई ना? जो भी एंगल बनाती है लाइन एक्स एक्सिस के साथ उसका टेंजेंट ले लो, टेन ले लो, तो क्या माना जाएगा? वो उसका स्लोप माना जाएगा। ये बात होगी क्लियर? यस सर। ओके जी सर। अब पॉइंट ले लिया मैंने x1 y1, और यू एनी पॉइंट ले लिया xy। अब मैं इस इक्वेशन में पूछूंगा ये कैसे आई। अब देखो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा बेटा, तो ये क्या हो गया x1 और ये क्या हो गया y1। यहां परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो ये इतना क्या हो गया x और ये क्या हो जाएगा वाई। ये बात समझ आ गई? हाँ सर। अब मैंने इसको मिला दिया, यो तो एंगल थीटा आएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल होगा क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। भाई मैंने ये लाइन पैरेलल ले लिया एक्स एक्सिस के, तो जो एंगल थीटा था यहाँ, वो यहाँ भी थीटा ही रहेगा। हाँ सर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं ये। ठीक है ना बेटा? हाँ भरोगे जब चलूंगा मैं आगे ना। जी सर। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक की? तो एक्स है यहां से यहाँ, x1 है, तो कितनी होगी? x-x1। ठीक है ये जी इन दो, सर।
और ये कितनी होगी, वाई माइनस वाई वन यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि ऊपर सारी यहाँ तक तो वाई थी, यहाँ तक वाई वन थी, तो घटा देंगे तो क्या बचेगा, वाई माइनस वाई वन। इसके ऊपर ऊपर कह रहा हूँ मैं, जी सर। ये पॉइंट मैं ए ले लूँ, यो बी ले लूँ, यो सी ले लूँ, तो ए सी तो हो गया एक्स माइनस एक्स वन, और बी सी कितना हो गया, वाई माइनस वाई वन। ठीक है ना ये? हाँ सर। तो अब टेन थीटा क्या होगा यहाँ, टेन टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, पी बाई बी। तो टेन थीटा एम ले रखा है मैंने, पी कितना है, वाई माइनस वाई वन, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन, जो बी है हमारा, ये बी है, ये पी है, और एम से इधर गुणा हो गया ये, तो वाई माइनस वाई वन कितना आ गया, एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये आगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जब कोई पासिंग पॉइंट दे रखा हो और एक उसका स्लोप दे रखा हो। अब समझ में आ गई बात ये? जी सर। यस सर। अब इसका यूज हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करेंगे। डेरिवेटिव क्या कहता है, ये जो स्लोप है ना, यो एम, जो स्लोप हम निकालते हैं एम, जो टेन थीटा के बराबर होता है, ये यूं कहे है, अगर डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स हो है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाए, क्यों होता है डी वाई बाई डी एक्स, मैंने अभी समझाया था। यहाँ पे ये जो है ना, ये तो हो जाता है डी वाई चेंज इन वाई, वाई माइनस वाई वन क्या हुआ, चेंज इन वाई, एक्स माइनस एक्स वन क्या हुआ, चेंज इन एक्स, यही तो हुआ। तो इसका नाम डी वाई रख लें, इसका डी एक्स, तो टेन थीटा क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, यही तो एम होता है, तो एम क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, वो एक्स वन वाई वन से गुजरती है, और स्लोप कौन देगा उसका, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट का स्लोप क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जब भी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, तो एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए एक्स वन वाई वन, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो फंक्शन से, फंक्शन देगा वो वाई का, एक्स का फंक्शन दे दिया, वो वाई रख लिया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल लो और इसमें धर दो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। मतलब कोई भी कर्व है और यहाँ पे हम टेंजेंट निकालना चाहते हैं, तो वो पॉइंट देगा, पॉइंट देगा, मान लेते हैं एक्स वन वाई वन दे दिया, और इस फंक्शन को भी देगा एफ एक्स को, यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लो, एक्स की जगह एक्स वन रख दो, तो वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, वाई माइनस वाई वन और डी वाई बाई डी एक्स और एक्स माइनस एक्स वन। ये बात समझ में आ गई बेटा यस बात? सर। हाँ, एक था, जी सर, मैं रिप्लाई दे रही हूँ सर, नेटवर्क नहीं है शायद। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर किसी पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींच दी, तो एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो वो क्या कहलाती है, नॉर्मल। तो नॉर्मल का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू
टेंजेंट। तो अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो इनके स्लोप की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? माइनस वन। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो इनकी स्लोप की मल्टीप्लीकेशन होती है माइनस वन, और जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो इनके स्लोप होते हैं बराबर। क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे बेटा, ये सारी समझा रहा हूँ मैं बात, बेसिक बात। क्वेश्चन में भी समझाऊंगा आगे, यहाँ भी परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप की मल्टीप्लीकेशन माइनस वन होती है, और जब पैरेलल होती हैं तो स्लोप बराबर होती हैं। ऐसा ही कुछ 3D में भी आया था। तो टेंजेंट का स्लोप dy/dx है, ध्यान से समझना, dy/dx है ना इसका, और इसका मैं निकालना चाहता हूँ। मान लेते हैं इसका m1 है, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी स्लोपा की? माइनस वन। तो m1 कितना हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया? -1/dy/dx। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी? y-y1 और -1/dy/dx और x-x1। नॉर्मल में dy/dx का स्थान कौन ले लेगा? -1/dy/dx। बस -1/dy/dx को हम dxy/dy लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये है इक्वेशन। अब मैं समराइज करता हूँ जो आज मैंने पढ़ा है। पहली बात तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कराएगा, ये तो सिंपल है। fx लिया, f'x लिया, उस पॉइंट को रख लिया, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। ठीक, टेंजेंट नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/dy/dx, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y-y1/dy/dx, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये। टेंजेंट जहाँ पैरेलल टू x एक्सिस हो तो dy/dx जीरो, क्योंकि मान लेते हैं ये टेंजेंट है कोई पैरेलल टू x एक्सिस है तो थीटा क्या रहेगा? जीरो। तो टेन जीरो कितना हो जाएगा? जीरो। तो टेन थीटा ही तो हमारा dy/dx होता है, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये है आज जो मैंने पढ़ाया है। अब इसमें एक और रह गया, मैक्सिमा मिनिमा, इसको ये आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे। इसके छोटे सारे करियो ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अब ये कट भी सकता है बेटा, और फिर बाकी हम कल करेंगे डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे fx है log sin x, तो डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? हमने चेक करना है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। f'x क्या आ जाएगा बेटा? 1/sin x इनटू cos x, कोट एक्स आ गया। इंटरवल है 0 से π/2, 0 से 90, π/2 से π, और 0 से π। ये कहता है डिक्रीजिंग कौन से में? डिक्रीजिंग में नेगेटिव होना चाहिए ना डिक्रीजिंग के लिए। f'x कैसे होना चाहिए? नेगेटिव। अब ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं। π/2 से π कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें कोट क्या होगा? इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव।
इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें सी कॉस और सीकेंट पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो कोट एक्स नेगेटिव कौन सीम होगा बेटा? सेकंड और फोर्थ में बेटा। तो इन में सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है? ये पाई बाय टू से पाई, तो आंसर क्या हो जाए इसका? पाई बाय टू से पाई में क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। यही पूछ रखा है इसने, ये डिक्रीजिंग कहाँ होगा। ऐसा ही अगला है एफ एक्स इज इक्वल टू, समझ आ गया ना ये? यस सर। एक था जी सर। यस सर आ गया। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स।